हाय, दिस इज प्रतिमा सिंह। कल मैं ये मिर्ची लेकर आई थी अचार वाली, और रात को मैंने इनको वॉश करके रख दिया था फैन में, और इस समय इनको पोंछ लिया है, पोंछ कर तैयार कर लिया है। और मैं इसके गोल गोल स्लाइस करूँगी, छल्ले की तरह से इनको काटूंगी, क्योंकि अगर हम बड़ा रखते हैं तो बहुत बड़ा पीस ले लेते हैं और उसको फिर ना खाते समय पूरा ख़त्म नहीं होता है, वेस्ट जाता है। तो इसके लिए मैंने एक नया तरीका निकाला कि क्यों ना हम इनको गोल छल्लों में काटें, और देखने में भी वो मोतियों की तरह से लगेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे, और साथ में हमारा अचार जो है वो वेस्ट भी नहीं होगा। इधर मैंने गैस के ऊपर सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और जैसे ये तैयार हो जाएगा, अच्छे तरह से गर्म हो जाएगा, अपना रंग बदल लेगा, मैं इसको ऑफ कर दूंगी। और इस नॉन स्टिक पैन में मैंने जीरा, पीली मेथी और सरसों और फ्लैनल, जिसको बोलते हैं सौंफ, मोटी वाली सौंफ ली है, और नीचे इसमें गैस चला रखी है, सिम के ऊपर है, और अब मैं इसको धीरे धीरे सौटे करूँगी। सौंफ मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि मुझे जो सौंफ का फ्लेवर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब ये सौटे हो जाएगा, हल्का सा इसमें खुशबू आ जाएगी, उसको फिर मैं मिक्सी में चलाकर इसको इसका फाइन पाउडर बनाऊंगी। हाय, दिस इज़ प्रतिभा सिंह। आज मैं जो एक्चुअल अचार वाली जो मिर्चियाँ होती हैं उनसे अचार बना रही हूँ। ये काफ़ी बड़ी और लंबी होती हैं साइज़ में। जिस समय इसको हम सर्व करते हैं तो कितना भी छोटा कर लें तो भी ये इसका मसाला और इसका पीस बच जाता है। उसके लिए मैंने सॉल्यूशन ये किया कि मैंने इनको छोटे छोटे रिंग्स में काट लिया है, और ये देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं, ये देखिए बहुत सुंदर लग रही हैं। और अब सबसे पहले मैं इसमें पिसा हुआ जो मैंने मसाला मैंने तैयार किया है, इनिशियली मैंने फ़ोटो में कवर किया है, वीडियो में भी शुरुआत में कवर किया है, वो मैं इसमें डालूंगी। शुरू में हम दो चम्मच डाल के देखते हैं कि ये हमारे लिए कितना सही है। और ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम और भी ऐड करेंगे मसाला, या अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी और मसाला ऐड करने की। मैं इसमें दो सर्विंग स्पून मैंने और डाला है, अब ये काफ़ी अच्छे से इसमें मिक्स हो रही है और बाकी बाहर भी बच रहा है। बट आई फील इसमें मैं एक और स्पून डाल दूँ तो
इसका जो मसाला है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैं जो फ्लैनल है, सौंफ है, मैंने ज़्यादा रखी है ताकि इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा रहे। और ये मैं 5 चम्मच सर्विंग स्पून के मैं डाल चुकी हूँ। और ये देखिए इसमें एक्स्ट्रा भी है, इसमें मैंने हींग, सौंफ और जीरा, मेथी और सरसों, ये चीज़ें इसमें मैंने डाल के उनको भूनने के बाद, हल्का सा भूना था और ठंडा होने के बाद इसको मैंने पीस लिया है मिक्सी में और ये मसाला मैंने ऐड कर दिया है। क्योंकि इस मिर्ची की अपना कोई मिर्च नहीं होता है, इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, ये नमक जो है वो मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, और 1 स्पून मैंने इसमें काला नमक ब्लैक सॉल्ट डाला है। और अब इसको मैं चला लूँगी अच्छी तरह से। बहुत जल्दी तैयार होने वाले ये अचार हैं, बस इनको थोड़ा सा, इस वाले अचार को थोड़ा धूप में रखना पड़ेगा और हिलाना पड़ेगा। प्रिजर्वेटिव विनेगर को डाल सकते हैं हम, वाइट विनेगर को, क्योंकि वाइट विनेगर जो है वो इसके कलर को चेंज नहीं करता। वाइट विनेगर जो है वो थोड़ा सा गले को तकलीफ़ देने वाला हो सकता है। और इसमें मैं नींबू का रस, ये मैंने 2 नींबू का रस है वो डाला है ताकि इससे कोई भी नुकसान नहीं हो हमको। अब ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है, सारी चीज़ों को खूब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी ताकि इसमें मसाला अंदर भी चला जाए। और अब 1, 2, 3, 4 मुझे लग रहा है सारा ऑयल इसमें लग सकता है, फिर भी मैं इसको हिला कर देखूँगी। ये मेरा अचार विद इन नो टाइम तैयार। और इसको हम बहुत सुबह तक ही एकदम तैयार हो जाएगा, इसमें जो खट्टापन है वो और मसाला इसके अंदर चला जाएगा। अब ये 1 ग्लास स्पून था उसको भी मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा हिलाने के बाद स्पेयर में भी रहना चाहिए तेल। ये तेल गरम किया हुआ है, गरम करके मैंने ठंडा कर लिया था पहले से ही। ये देखिए हमारा अचार एकदम तैयार है, कलरफुल अचार है, लाल और हरी मिर्ची का कॉम्बिनेशन है। ये साफ बॉटल है, स्टरलाइज बॉटल है, इसमें अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी। और बड़ी बॉटल मैंने इसलिए ली है ताकि मैं इसको अच्छे से हिला सकूं टाइम टू टाइम। धूप में इसलिए रखना पड़ेगा, इन वाली मिर्चों में अपना जो पानी थोड़ा रहता है। कोशिश मैंने की है कि कल रात मैंने धो दिया था इसको, धोने के बाद फ़ैन में रख लिया था सारे दिन भर, मोर देन 20 आवर्स ये हवा में ही रहे। तो
तो भी हमारा अचार ख़राब ना हो, इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको धूप में रखना पड़ेगा और इसको चलाना भी पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। ये हमारा अचार तैयार। ये मिर्ची का अचार हमारा तैयार है एकदम। ये मिक्स हरी मिर्ची और लाल मिर्ची का मिक्सचर है और ये अचार की मिर्चें हैं, एक्चुअल में अचार की मिर्चें हैं, इसलिए इनका जो स्किन होती है वो मोटी होती है, उसमें पानी होता है काफ़ी। कल इसको मैं धूप में रखूंगी बाहर टेबल के ऊपर, ताकि इसको गर्मी से इसमें जो पानी है वो निकलता चला जाए। सो चलिए अब कल इसको हम टेस्ट करेंगे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।